अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है क्रिस्पी फ्राइड चिकन कबाब। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने हैं ये, आपको ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और रेसिपी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पर नए हैं काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिल जाएं और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और साथ में आपको ये भी करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखनी है, छोटी सी वीडियो है ये। और चलिए फिर आप रेसिपी की तरफ आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया। फ्राइड चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले के, 1 टीस्पून यहाँ पर जीरे पाउडर के लिए है मैंने, और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी के लिए हैं, 1 नींबू का रस शामिल कर दिया है और 2 से 3 ग्रीन चिलीज को बारीक से चॉप करके ऐड किया है मैंने, और साथ ही 2 अंडों को मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम विनेगर, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैं यहाँ पर सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ। बहुत ही जूसी बनेगा अंदर से इससे चिकन, और बिग पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर दिया है। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इन्ग्रीडियंट्स को। नियरली 1/2 kg चिकन लिया है मैंने। ये जो पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो विदाउट बोन्स है, और मैंने यहाँ पर लेग पीसेस भी लिए। तो अच्छे से इसको कोट कर देंगे सारे मसाले को, और आपके पास टाइम हो तो इसको आप 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दें, और भी बहुत ही फ्लेवरफुल से बनेंगे ये कबाब। तो मैंने यहाँ पर 2 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया था। 2 आवर्स बाद देखिए यहाँ पर मैं नियरली 1/2 टेबलस्पून राइस पाउडर के ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर नियरली 1 टीस्पून चिकन मसाले के ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्राई करने से थोड़ी देर पहले इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मैंने ऐड किए हैं, और फिर अच्छे से पाइपिंग हॉट ऑयल में हम चिकन को फ्राई करेंगे, और फ्लेम को हमको सारे प्रोसेस में हाई ही रखना है, बिल्कुल मीडियम या लो भी नहीं करना है। तो सारे प्रोसेस में बिल्कुल हाई रखेंगे फ्लेम को, वरना फिर हमारे कबाब सॉगी से बन जाएंगे। 4 मिनट्स बाद मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। 4 मिनट्स तक हमको बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और टोटल साइड दोनों साइड पकने में हमको 8 to 9 मिनट्स लगेंगे, और फ्लेम को हाई ही रखना। अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इन पर, और ये अच्छे से कुक हो चुके हैं।
अब हम इनको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल इस पर एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसको मैं सर्व करके आपको बता दूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही फ्लेवरफुल से बने हैं ये कबाब, और मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखें, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।